उत्तर प्रदेश जनपद अलीगढ़ के विकासखंड लोधा के गांव मुकुटगढ़ी में मैं यहां मौजूद हूं और ये ग्राम पंचायत मनोहरपुर कायस्थ लगता है। मनोहरपुर कायस्थ ग्राम पंचायत का गांव मुकुटगढ़ी है। मुकुटगढ़ी के राजकीय नलकूप नंबर 225 एजी यहां नलकूप पर मैं मौजूद हूं। यहां के बासिंदों से हम जानना चाहेंगे, क्या नाम है तुम्हारा बताओ? अच्छा अच्छा, क्या समस्या है बताओ? समस्या ये है कि ढाई महीना से ये ट्यूबवेल खराब पड़ा है। अच्छा, और ढाई महीने आगे तक खराब पड़ा और बीच में बनाओ तो एक दिन चलाओ खाली। अच्छा, एक दिन चलने के बाद में फिर अभी कोई सुनवाई ना रही है, कोशिश कर रही। अच्छा अच्छा जी, आप कहना चाहेंगे, आप बताओ क्या नाम है तुम्हारा? इंद्रपाल सिंह। हाँ, ये 225 एजी ट्यूबवेल जो है लगभग दो ढाई महीने से खराब पड़ा है जी। और जब हमने शिकायत की, ऑपरेटर को भी जानकारी है, पूरे विभाग को जानकारी है, तो जब ज़्यादा हमने प्रयास किया तो खराब होने के 15-20 दिन बाद यहाँ से मोटर गई जो लगभग 27 मई को गई है वर्कशॉप के लिए जी जी, और वहाँ फिर पड़ी रही। उसके बाद फिर हमने पैरवी की कि भाई मोटर क्यों नहीं बन रही है, तो उसके बाद 18 जून को यह मोटर बन के आई। 18 जून की शाम को मोटर यहाँ फिट हुई, 19 को ट्यूबवेल चली। 19 को ट्यूबवेल चलने के बाद में फिर 20 को चली, तो 20 को फिर चली नहीं, केवल एक दिन ट्यूबवेल चला है। उसके बाद 23 जून को फिर मोटर वापस चली गई। उसके बाद हम फिर प्रयास रहते हैं रोजाना, जे हिसाब से बात हो रही है, एसडीओ साहब से बात हो रही है कि बन जाएगी कल, बन जाएगी कल, बन जाएगी, दो ढाई महीने तक अभी तक मोटर बन के नहीं आई और किसानों की सारी खेत खाली पड़े हुए हैं। धान की रोपाई चल रही है, एक बार की बोई हुई पौध मारी गई, दोबारा लोगों ने बरसात के होने की वजह से दोबारा बोई है, लेकिन पानी जब नहीं मिलेगा, ट्यूबवेल नहीं बनेगा, तो ये भी पौध बेकार चली जाएगी, मारी जाएगी और खेत सब खाली रह जाएगा। ये कितना खेत है यहाँ, मतलब सिंचित होता है इससे? लगभग इससे 250-300 बीघा खेत, 50 लगभग 50 किसान है, 250-300 बीघा खेत की आपासी होती है इस ट्यूबवेल से। लेकिन अब बेकार पड़ा है, सब बेकार पड़ा। आप देख लो चारों तरफ जमीन सब खाली पड़ी है सब। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ देखते रहिए डीवी भारतीय समाचार अलीगढ़ से, ओमेन सिंह धनगर, ब्यूरो चीफ अलीगढ़। दो मिनट 12 सेकंड। ठीक ठीक, हाँ। देखते रहिए डीवी भारतीय समाचार, नजर हर खबर पर।